is a very historical achievement, and there are not many teams which have won both at the same time, and we are winning for the first time. So yeah, I'm very happy to be part of the winning team in the Indian gold medal team in the Olympiad. India has won a gold medal in the Olympiad for the first time ever in both open and women. In the offline version, we have won in the online Olympiad before in 2020. भारत ने 45वें चेस ओलंपियाड में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए ओपन और विमेंस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिए। देश की इंडिविजुअल कैटेगरी में भी 4 गोल्ड हासिल किए। मेंस और विमेंस दोनों कैटेगरी में दो दो प्लेयर्स ने पहला स्थान हासिल किया। दोनों कैटेगरी में 5-5 प्लेयर्स ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 11 राउंड के बाद ओपन टीम ने 22 में से 21 पॉइंट्स हासिल किए। वहीं विमेंस टीम ने 19 पॉइंट्स के साथ गोल्ड पर कब्जा कर लिया। चेस ओलंपियाड में गोल्ड जीतने के बाद चेस टीम ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के स्टाइल में ट्रॉफी उठाकर सेलिब्रेशन भी किया, जैसा आप वीडियो में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। वीडियो में आपको बता दें, बाएं ओर से विमेंस ग्रैंड मास्टर तानिया सचदेवा और दाई तरफ से ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ट्रॉफी के साथ जश्न मना रहे हैं। विमेंस टीम ने तानिया सचदेव, वैशाली रेमश बाबू, हरिका द्रोणावल्ली, वंतिका अग्रवाल और दिव्या देशमुख ने गोल्ड जिताया। टीम ने 11 राउंड में से 9 जीते और एक ही ड्रॉ खेला। टीम की इकलौती हार पोलैंड के खिलाफ मिली। हालांकि भारत ने 19 पॉइंट्स के साथ पहला स्थान हासिल कर लिया। टीम ने 10वें राउंड में डिफेंडिंग चैंपियन चीन को भी हरा दिया। विमेंस इवेंट में 10वें राउंड के बाद भारत और कजाकिस्तान 17-17 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर थे। 11वें राउंड में भारत ने अजरबैजान को 3.5 और 0.5 से हरा दिया। टीम से हरिका द्रोणावल्ली, दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल ने अपने अपने मैच जीते। वैशाली रमेश बाबू ने ड्रॉ खेलकर भारत को 3.5 पॉइंट तक पहुंचाया। कजाकिस्तान और अमेरिका के बीच मैच के नतीजे से विमेंस इवेंट में गोल्ड का फैसला होना था, दोनों के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ हो गया। इस कारण कजाकिस्तान 18 पॉइंट्स पर अटक गया, तो वहीं भारत ने 19 पॉइंट्स के साथ पहला स्थान हासिल कर लिया और गोल्ड अपने नाम किया। विमेंस कैटेगरी में भारत ने लगातार 7 राउंड जीते, फिर 8वें राउंड में पोलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, जैसा मैंने आपको बताया, और 9वें राउंड में टीम ने अमेरिका के खिलाफ ड्रॉ खेला। 10वें राउंड में टीम ने चीन और 11वें राउंड में अजरबैजान को हराकर 19 पॉइंट के साथ गोल्ड कंफर्म कर लिया। ओपन टीम ने 10वें राउंड के बाद ही 19 पॉइंट्स हासिल कर गोल्ड कंफर्म कर लिया था। टीम ने लगातार 8 मैच जीतने के बाद उज्बेकिस्तान के खिलाफ ड्रॉ खेला था। फिर 10वें राउंड में टीम ने अमेरिका और 11वें राउंड में स्लोवेनिया को हराकर गोल्ड जीत लिया। आखिरी राउंड में भारत से गुकेश डोमाराजू, आर प्रागानंदा और अर्जुन इरिगेसी ने अपने अपने मुकाबले जीते। वहीं विदित संतोष गुजराती ने ड्रॉ खेला और टीम का स्कोर 3.5 तक पहुंचाया। भारत ने 11वां राउंड जीतकर 21 पॉइंट हासिल कर लिए, जबकि चीन और अमेरिका 16-16 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रहे। चेस ओलंपियाड में हर राउंड में एक टीम को किसी दूसरी टीम से मुकाबला करना होता है। हर मुकाबले में 4 अलग अलग बोर्ड पर मैच होते हैं, यानी एक राउंड 4 पॉइंट का होता है। जो टीम 2.5 या इससे ज्यादा पॉइंट हासिल कर लेती है वो इस राउंड का मैच जीत जाती है। हर राउंड में जीत की स्थिति में टीम को 2 पॉइंट मिलते हैं, ड्रॉ रहने पर 1 पॉइंट मिलता है और हारने के कोई पॉइंट नहीं मिलते हैं। भारत की ओपन टीम ने 11 राउंड में 10 जीते और 1 बराबरी पर छूटा, इसीलिए भारत के 21 पॉइंट्स हुए। वहीं विमेंस टीम 9 मैच जीते, 1 ड्रॉ खेला और 1 गंवाया, इसीलिए टीम के 19 पॉइंट्स रहे। हालांकि इतने अंक भी गोल्ड जीतने के लिए काफी रहे। पहले चेस ओलंपियाड का आयोजन 1924 में हुआ था, हालांकि यह अनऑफिशियल इवेंट था उस समय। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी FIDE ने फिर 1927 से ऑफिशियल चेस ओलंपियाड करवाना शुरू किया। 1950 तक ओलंपियाड हर साल हुआ। वर्ल्ड वॉर के दौरान इसका आयोजन नहीं हुआ, लेकिन 1950 के बाद से इसे हर 2 साल में 1 बार आयोजित किया जाने लगा। हंगरी के बुडापेस्ट में 45वें चेस ओलंपियाड का आयोजन हुआ।